हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐप को अनहाइड कैसे करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरा एक लॉक ऐप एंड गैर में ऐप था जो वो हाइड हो चुका है। देख सकते हैं, मैं आपको सब में दिखा रही थी कि वो ऐप आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। सो गाइस, एंड अब इसे कैसे अनहाइड करते हैं और वही बताऊँगी। सो गाइस, और मेरे पास सैमसंग का फ़ोन आई शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको डिस्प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सॉरी गाइस, आपको होम स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको जैसे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ दिख जाता है होम स्क्रीन ऐप्स और होम स्क्रीन ऐप्स। सो गाइस, ये सेटिंग आप शॉर्टकट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होम करना एंड इस तरीके से होम स्क्रीन को प्रेस करना और उसके बाद सेटिंग में जाओगे तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप सेटिंग में आ जाओगे। सो गाइस, आप सेटिंग से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी आ सकते हो। सो गाइस, एंड इसके बाद ऐसे स्क्रॉल करना, हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन पर क्लिक करना और इसके बाद जो यहाँ पर ऐप हाइड होगा वो ऊपर शो होगा। सो ये माइनस वाला है जो है वो आपका ऐप हाइड है, और जो अनहाइड है, अनहाइड करना हो तो इस माइनस पे क्लिक कर देना और अनहाइड हो जाएगा वो। इसके डन पे क्लिक करना, डन पे नहीं क्लिक करोगे तो अनहाइड नहीं होगा। सो जो हाइड करना होता है उसे टिक करना होता है, जो अनहाइड करना होता है माइनस करना होता है। सो गाइस, इस तरीके से करने के डन पे क्लिक करना और उसके बाद आपका जो ऐप है वो अनहाइड हो चुका है जो हाइड था। सो गाइस, देख सकते हो अभी आ चुका कैमरा क्लॉक ऐप। सो गाइस, इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हो आप ये सेटिंग, एंड इस तरीके से ऐप को अनहाइड कर सकते हो। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।